दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता है। अब ईडी सीबीआई मुझे दे दो, जितने जर्नलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल पे, कल से एक भी नहीं बैठेगा। और भाजपा के तमाम लीडर आपकी नहीं कर सिस्टम ऐसा, तो मोदी जी का अचार डाल लें फिर हम। खुला डिबेट में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम आते ही नेताजी का पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और अपने ही पुराने पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी चरम सीमा पर होता है। मौजूदा समय में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावती सुर उठने लगे हैं। राज्य में बड़ी राजनीति हलचल को हवा मिल रही है। लगातार अटकलें लग रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएम का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। इन सबके बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए विधायकों को खरीदा जा रहा है और राज्य में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ बीजेपी प्रवक्ता के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आलोक शर्मा जी, ये एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। कहीं कोई किसी अपने कोई आदमी अपने पार्टी को छोड़ता है, फौरन से इल्जाम लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यही तोड़ रहे हैं, ये उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षा हो रही है चंपई सोरेन जी की, सारा इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मुझसे भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। और आज जिस तरह से आज सब लोग क्यों कह रहे हैं, हर आदमी क्यों कह रहा है, अक्कू श्रीवास्तव जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्यों कह रहे हैं कि नई रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। जो लोग आते हैं, जिनको तोड़ कर लेकर आते हैं, जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं, उनसे महाराष्ट्र में काम नहीं चलता है, तो अब नई रणनीति पे काम होगा। ये तो अक्कू श्रीवास्तव जी तो ना हमारे हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रणनीति है, ऑपरेशन कमल का दूसरा रूप है ये। और ऑपरेशन कमल में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन जी को किसने बनाया था मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी ने बनाया था? जिनकी पार्टी ने बनाया था उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इंटरनल बात थी। चंपई सोरेन जी के पास अगर इतने बड़े वो लीडर थे, इतने विधायक थे, तो पहले ही बन जाते वो। फिर हेमंत सोरेन क्यों बने थे? जिसके साथ विधायक होंगे पार्टी में, उसी ने बनाया होगा। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये भी पूरे देश ने देखा। अगर चंपई सोरेन जी इतने बड़े लीडर हैं, तो बीजेपी डिक्लेयर कर देना। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, साहब आदिवासियों का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे, ईडी का एक दफ्तर का अधिकारी यहाँ दिल्ली से स्पेशली इस काम के लिए ट्रांसफर तो नहीं किया गया था? इसकी जांच कर लीजिए ना। वो ईडी का अधिकारी का उसका क्या इतिहास है, वो भी जांच कर लीजिए। वो क्या स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया था? 4 महीने 5 महीने हो गए, क्या चार्जशीट फाइल हो गई? अगर एक कोई लैंड का मैटर है, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जो भी है, उसमें क्या मतलब 5 साल लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में? ये राजनीतिक विद्वेष से एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें भी झारखंड की जनता ने इनको पूरा उल्टा जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अब बिल्कुल, अक्कू जी ठीक कह रहे हैं कि दूसरा फार्मूला इन्होंने निकाला है कि वोट कैसे काटे जाएं और वोट काटकर कैसे वहां पर सरकार बनाई जाए। लेकिन ये भूल गए कि मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है, नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था, वो नहीं पड़ रहा है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। और ये प्योरली नोटबंदी के पैसे से लिया किया जाता है। गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं उनका घोटालेबाज है, उसको अगले दिन गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि आप बदनाम नहीं, आप बद हो चुके। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद 55 से अधिक सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी ने निष्कासित की है, तो यह तमगा कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। देश के इतिहास में एक बार काला अध्याय इमरजेंसी अगर किसी ने लगाया, तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो बद से बदतर और लोकतंत्र और संविधान की संस्कार वाली कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो तो इस विषय पर शांत रहे तो ही ठीक रहेगा। और कहते हैं कि मोदी जी का जो पराक्रम है, मोदी जी का पुरुषार्थ है। अरे भाई, हम तो तीसरी बार 40 वर्षों के बाद तीसरी बार कोई सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के साथ आई है, तो उसको जनता का आशीर्वाद मिला है। आप तो अभी भी 100 के अंदर रह गए हैं, 99-100 में नहीं आया है आपको, 99 आपको 542 में आए हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को पता है, देश की जनता ऑपरेशन डेमोक्रेसी करती है और ऑपरेशन डेमोक्रेसी के तहत अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद हमें देती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, मैं पुनः बताता हूं आपको, पद्मजा देखिए, एक बात स्पष्ट है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये कहते हैं ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, सोनिया गांधी का बेटा ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, गुरु जी का बेटा ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसा नहीं होगा। चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आदिवासी की बेटी भी इस देश की राष्ट्रपति बनेगी, और दुनिया की कोई ताकत
कोई जॉर्ज सोरोस हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी परिवारवादी और सामंतवादी संगठन हो, इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित और पीड़ित को कोई नहीं रोक सकता है। और चाहे आप जो बोले, आप जो स्पेकुलेशन करें, भाई अगर आदिवासी का अपमान होगा, इस प्रकार चंपईदा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन का बहुत खराब दिन था, मैं दर्द में था, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये बीजेपी ने लिखा है क्या? ये तो चंपईदा ने लिखा है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलन और पार्टी का स्वरूप दिया है, जो गुरुजी के समकक्ष है, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अपने पार्टी के अंदर के आदिवासी को सम्मान नहीं देंगे और आपसे अपेक्षा होगी झारखंड की जनता आपको आशीर्वाद दे? झारखंड की जनता ने 14 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी है पद्मजा। ठीक है, आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है जनता वोट देती है, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से बीजेपी की मदद करती है वो भी पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव है, 3-4 MLAs के यहाँ पर रेड पड़ गई, उनको जेल में डाल दो। जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ED, CBI और IT इनकम टैक्स वाले शुरू हो जाते हैं। आज तक किसी भी एक लीडर के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर पाए हैं? आज भी 2G के नाम पर वोट मांगते हैं। 2G के ऊपर जितने लोगों को बरी किया वो इन लोगों ने किया। और जहां तक बात है सरकारें गिराने की, गिरने की, SR बोमई केस के बाद सीधा सीधा क्लियर हो गया था कि जो भी मेजोरिटी तय होगी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। लेकिन पहला एग्जाम्पल हुआ उसके बाद कि अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र एक बैंकेट हॉल में बुलाया गया और पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट किया गया। वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, कौन गवर्नर है? महाराष्ट्र में 7 बजे सुबह सुबह 2 लोगों को शपथ दिला दी जाती है गवर्नर बुलाकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए थे कि किस तरह से दल बदल कानून जो है वो भी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया है। नहीं नहीं, पर आलोक जी, आपके ऊपर जो अभी इल्जाम ये है कि आपकी सामंतवादी सोच है और आपके जो घटक दल हैं उनकी भी सामंतवादी सोच है कि राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, जैसे ही हेमंत जी वापस आए वैसे ही फटाफट चंपई सोरेन को हटा दिया गया, जबकि वो आंदोलन में शामिल थे, गुरुजी के साथ लड़े हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, पर उनको फौरन किनारे कर दिया गया। आंदोलन में सैकड़ों हजारों लोग लड़े आंदोलन में, सबको मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? जिसके पास विधायक होंगे वही बनेगा। अगर चंपई सोरेन जी के पास विधायक थे तो कहते थे कि विधायक मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो सीधा सीधा संख्या का है, जिसके पास विधायक है, विधायक जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं तो कह रहा हूं इतना अगर उनको लाड़ प्यार दुलार आ रहा है चंपई जी के ऊपर, तो बीजेपी आज ही डिक्लेयर करे कि भाई अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन की बात अगर हम जीत कर आते हैं तो चंपई सोरेन जी रहेंगे। बीजेपी करके दिखाए। ठीक है, एक ट्वीट देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से आपको चैलेंज दे रहा है, बैठा एक तरीके से। हाँ, आखिरी बात, आखिरी 30 सेकंड आलोक जी, फिर गुरुप्रकाश पास। अंतिम बात कहना चाहूंगा, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, आज भी वोटों की गिनती का मिलान नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसे चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है किशोर जी, आपके पास आ रही हूं मैं, पर गुरुप्रकाश झूठ बोलते हैं। देखिए JMM ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि एक तरीके से वो मूल रूप से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के आदिवासी नेता उनको नजरअंदाज करके आप बाहर से इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं। झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, इतने पूर्व मुख्यमंत्री आपके दल में हैं, आप बाहर से लाने में अभी भी जुटे हुए हैं और सारे आदिवासी हैं। नहीं नहीं बिल्कुल पद्मजा, देखिए अभी बिल्कुल जायज पॉइंट भी उठाया गया, मैं बताना चाहता हूं और मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन बना हुआ है, दलित आदिवासी दलित आदिवासी, कितने दलित है कितने आदिवासी हैं? कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं देश में पद्मजा, मैं पूछना चाहता हूं कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके? मैं बताऊं आपको जवाब, शून्य, एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है देश में। हमसे पूछो पद्मजा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन? विष्णुदेव साय, आदिवासी। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन? मोहन माझी, आदिवासी। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन? जगदीश देवड़ा, आदिवासी। राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन? बैरवाजी, दलित। तो मुझे लगता है कि यहां पे हमें किसी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सामंतवाद की बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से सामंतवाद और नव सामंतवाद का उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो फ्यूडलिज्म। और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी बातों बातों में कह गए, इनके पूर्व विदेश मंत्री कहते थे कि मोदी जी आए यहां पर चाय बेचे, इनको दिक्कत होती है पद्मजा, इनकी समस्या नहीं है, इनका जो ढांचा है ना, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। देखिए ये पूरी चाल थी, पहले केस किसके ऊपर आओ, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी टूटेगी, कुछ और दिक्कत होगी, लेकिन वो पार्टी विधायक सब इकट्ठे रहे। चंपई सोरेन जी को पूरी तरह से आसन दिया गया, लेकिन चंपई सोरेन जी के आसन मिलने के बाद भी बीजेपी का काम नहीं चला।
तो बीजेपी ने दूसरा बाईपास रास्ता निकाल लिया, केस किसी के ना किसी के ऊपर तो किया गया। और जहां तक अभी अक्कू जी कह रहे थे कि सब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, अक्कू साहब ईडी सीबीआई मुझे दे दो, जितने जर्नलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, कल से एक भी नहीं बैठेगा। और भाजपा के तमाम लीडर्स आपकी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भी ईडी पीडी में जाएगा। लेकिन अगर आएगा तो जो अगर विधायक चोरी चकारी बाकी काम में है तो अगर ईडी आ रही तो स्वागत कीजिए, साफ हो जाइए तो किनारे बैठ जाइए, आगे फिर लड़िए बैठ करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साहब मुझे केवल ये बता दीजिए, पाक साफ महोदय है, ये नेशनल हेराल्ड का केस 12 साल से चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, ये पता 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, ये छोड़िए ना, जनता सब समझ गई है, पूरे चेहरे सब बेनकाब हो गए हैं। साथियों आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बगावती पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। चंपई सोरेन के इतने बड़े आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।